हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। यार मैं आया हुआ था थोड़ा चांदनी चौक, जस्ट मैं लाल किला पहुँचा ही हूँ। मेरे को यार टाइम नहीं मिल पाया बनाने का वीडियो, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में निकला था। अभी पहुँचे हैं, देखते हैं कैसा रहता है। तो गाइस, आज बहुत सारी दुकानें सील हो रही हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है शायद 26 जनवरी की वजह से। सब देखो कितनी तगड़ी तरीके से यहाँ पर भीड़ हो रही है आज, और फुल पुलिस ही पुलिस के प्रोटेक्शन है इधर। कल 26 जनवरी है ना, इसीलिए आज पूरा अच्छे से वो किया हुआ है। मेरे पीछे बिल्कुल लाल किला, वो देखो सामने लाल किला दिख रहा है आपको, ये SBI बिल्डिंग। मैं इधर ही पास में ही हूँ बिल्कुल। ये हमारा भागीरथ पैलेस मार्केट है, ये मैकडोनल्ड के बगल ही भागीरथ पैलेस है। गाइज एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, चांदनी चौक का सबसे फेमस शीशगंज गुरुद्वारे। ये अंदर से जितना बाहर से सुंदर दिख रहा है, उतना ही अंदर से भी सुंदर है। इनफैक्ट मैं इस साल की, मतलब लास्ट ईयर 2020 के न्यू ईयर की पार्टी में मैं इसमें आया था। ये जगह जो है, इसको बोला जाता है फुहरा, जगह का नाम है। ये देखिए कितना सुंदर बन रहा है ये यार। इसके सामने यहीं पे ही है हल्दीराम, बहुत अच्छी खाने पीने की जगह। गाइस ये देखो, ये रहा हल्दीराम, ये रहा गुरुद्वारा, और उसके पास ही हल्दीराम है। तो आपने देखा गाइस कितना सही लग रहा था गुरुद्वारा देखने में। आज सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं आज तक। मुझे बाद में याद है कि कल 26 जनवरी है तभी। गाइज ये कि जगह है मेट्रो की तरफ जाने के लिए, और इसी के जस्ट को बगल में है नटराज दही बनने वाला। और गाइज ये देखो, ये वही मंदिर है जो कुछ टाइम यहाँ था, आपने देखा होगा। इसके लिए बहुत दंगे भी हुए थे, मतलब बहुत प्रदर्शन हुआ था, फिर लास्ट में कोर्ट ने मंजूरी दिया था, तो फिर मंदिर यहाँ पे आई है, हनुमान मंदिर। तो गाइज ये पूरा, ये एक्चुअली ये जो गली है ये जा रही है पुरानी बाजार की तरफ, जैसे दरियागंज हो गया, तो ये उस तरफ के लिए निकल रही है वाली गली। गाइज देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बहुत चांदनी चौक की बहुत फेमस एक शॉप दिखाता हूँ, रेस्टोरेंट है एक तरीके से वो। यहाँ पे आसाराम के पराठे के नाम से फेमस है, बहुत ज़्यादा वो चलती है। और वो ये रही आसाराम के पराठे, ये 150 या 200 रुपये का एक पराठा देता है, और बहुत टेस्टी होता है उसमें। आप खाकर देखना, कभी यहाँ पे चांदनी चौक आओ तो आसाराम के पराठे ज़रूर टेस्ट करना। मैं तो क्या, मैं पहले एक साल यहाँ पे जॉब कर चुका हूँ चांदनी चौक में, तो मुझे यहाँ का सब कुछ का आइडिया है, कहाँ पे क्या है कैसे। मुझे भी पहले पता चला था, फिर मैं भी गया था टेस्ट करने, मुझे तो मज़ा आ गया था। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। लग रहा बारिश होने वाली है, मौसम तो वैसे ही हो रहा है बारिश की वजह से। दारू के ठेकों के लिए लाइन लगी पड़ी है, बताया। मैं सोच रहा हूँ भंडारा हो रहा है, देखा तो ठेका खुला पड़ा, उसके लिए लाइन लगी है। चलो गाइस, मुझे जाना था यार भागीरथ पैलेस भी, कुछ सामान लेने के लिए जाना है, दुकान के लिए एक दो लाइटें वाइटें वो लेने के लिए जानी थी। जाकर देखता हूँ अभी खुली भी है या नहीं है, क्योंकि कल 26 जनवरी, आज 25 जनवरी, तो एक दिन का अंतराल है, पता नहीं खुली होगी नहीं खुली होगी, जाकर देखना पड़ेगा। देखता हूँ जाकर के फिलहाल। तो गाइज ये हमारा मशहूर है भागीरथ पैलेस मार्केट, जिसे बिजली मार्केट भी बोला जाता है। और मेरी किस्मत देखो कितनी बढ़िया है, एक भी दुकान दिख रही खुली हुई, मैं आया ही उसी दिन 25 जनवरी का दिन, जो खुली है वो भी बंद कर रहे, अपनी बढ़ा रहे फटाफट और भाग रहे हैं। क्या है देखो, पूरी मार्केट बंद है, यही होना है भाई, यही होना है, दूर दूर तक कोई भी दुकान नहीं खुली। गाइस ये जो सामने आपको दिख रही है वो DJ मार्केट है, और बहुत लोग बता रहे हैं कि पूरी मार्केट सील हो गई है इधर, पता नहीं क्यों। और मैं वही देख रहा था, सील कर रहे थे पीछे, जबकि बस बंद करवा देते हैं, लेकिन इस बार सील कर रहे हैं, पता नहीं भगवान जाने सील कब खुलेगी। ये पूरी DJ मार्केट है, यहाँ तो और ख़तरनाक सीन है, यहाँ तो पूरा ही बंद है। चलो देखते हैं कुछ ना कुछ मिल जाए, मुझे तो लग भी नहीं रहा कि कुछ मिलेगी नहीं मिलेगी। एक ने भी दुकान नहीं खोल रहा,
एक लगे दुकान नहीं खोल रखी यार उसको। मैंने पूछा एक से तो बता रहे पूरी मार्केट बंद है, कह रहे इधर देख लो एक बार इधर खुली हो सकती है, बस इक्का दुक्का ये रेडी वेडी वालों ने खोल रखा है, रेडी पट्टी वालों ने। देखे जाके कितने दुकानें खुली है कितनी बंद। तो गाइस ले लिया है मैंने सामान सारा, और भागीरथ पहले से कुछ लाइट वाइट लेने के लिए गया था वो ले लिया, फिर सोच रहा हूँ दुकान को थोड़ा सजाने के लिए लाइट वाइट ले लूँ इसीलिए लेने के लिए आया था। चलो ये काम भी हो गया, मैं जा रहा हूँ लाल किले की तरफ। तो गाइस आपको दिख रहा होगा मैं लाल किला वाली बस स्टैंड पर हूँ, दिखा पीछे वो रहा लाल किला लिखा हुआ और मेरे पीछे ही लाल किला है, अभी दिख नहीं रहा थोड़ा, ये बाउंड्री है उसकी, बस आने वाली है शायद मेरे, देखते। तो गाइस निकल चुके हम लोग भी और ये है जगह लाल किले के पास में, ये है बस का सफर देखेंगे, इसी बस में होगा, ये दिल्ली गेट है। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने स्टैंड पे, अभी जस्ट बस में उतर ही हूँ यार, सामान बिल्कुल मिली ही नहीं आज, जो जो सामान मुझे वो लेना था वो तो कुछ मिला ही नहीं फिलहाल, बस एक दो लाइटें वाइटें मैंने ले ली जो भी बड़ी ढूंढने के बाद मुश्किल से मिली है, अब ले करके जा रहा हूँ जाऊँगा दुकान पे। गाइस फाइनली आ गया हूँ मैं अपनी शॉप पे, ठंड बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, नीचे सब आग जला करके बैठे हुए, मैं भी जा रहा हूँ नीचे, अभी हाथ वाथ सेकूँगा, मस्त गर्म गर्म चाय मंगाऊँगा, बस चाय मंगाऊँगा मट्ठी वट्ठी मंगाऊँगा, खा पी करके लग जाऊँगा दुकान पर। तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब, मैं आपका दोस्त मोहित आ गया हूँ जॉब से, और ये सचिन जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम को लेके, और आज पिज़्ज़ा बना रहा है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई पिज़्ज़ा कैसे बना रहे हैं। हाँ भाई सचिन भाई हमारे शेफ, पिज़्ज़ा बना रहे हो, कौन सा पिज़्ज़ा बना रहा है भाई, कौन वाला कौन पिज़्ज़ा? तो भाई लोग कौन पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया, तो सचिन अपने कस्टमर्स की डील कर रहे हैं, मैं उससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, तो उसे अभी बनाने देते हैं पिज़्ज़ा। तो गाइस मैं फ़िलहाल दुकान बढ़ा करके आ चुका हूँ घर अब, और मेरे साथ मोहित भी आ ही गया, अभी बस जा रहे हैं हम लोग भी खाना पीना खाने, आज थक गया यार बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द हो रहा है, ठंड लग गई लग रहा है, जल्दी मिलते हैं फिर आपसे, और देखते हैं कल कुछ यूनिक कुल बढ़िया सा आपके लिए लेकर के आते हैं, जैसा भी होता है आपको फिर दिखाते हैं। इसी के साथ आपके अपने चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए हड्डा ब्लॉगर। बाय।